नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है पीएम केयर्स। पीएम केयर्स जो अभी काफी चर्चा में बना हुआ है, अपनी जवाबदेही को लेकर के, अपनी उत्तरदायी को लेकर के, तो चलिए इसके बारे में एग्जाम से संबंधित फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना 28 मार्च 2020 को हुआ था। 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। कोविड महामारी से बचने के लिए जनता से सहयोग मांगा गया था और सारे जनता है जगह इसमें जगह अपने सहयोग की राशि जमा किए थे। इसकी प्रकृति कैसी है, तो यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य दो हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिर ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। फिर दान की रकम पर इनकम टैक्स को 100% छूट रखा गया, यानी पूरी तरह छूट दिया गया है। फिर ये चर्चा में क्यों रहा, तो इस पे देखिए कहा गया, जब इस पे आरटीआई के द्वारा इसके टोटल इनकम वाले पैसे, टोटल खर्च वाले पैसे का जनता के द्वारा जब हिसाब मांगा गया, विपक्षी पार्टी के द्वारा जब हिसाब मांगा गया, तो ये इसे देने में आनाकानी करने लगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आनाकानी करते हुए प्रधानमंत्री ऑफिस से कहा गया कि इस पे आरटीआई लागू नहीं होता है, पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये रहा आपका पीएम केयर से संबंधित सारे फैक्ट है ना। इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके जेके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।